Hello, good morning everyone. I hope you all are good. This is class 4 subject science. Chapter 4 is going on adaptation in animals. Okay students, so first we will do word meaning of this chapter. And this word meaning you have to write in your notebook. Number 1 is predator. Predators means shikariyon. Number 2 prey means shikar. Number 3 shell means coal. Number 4 enemy means dushman. Number 5 protect means raksha karna. Okay, now come to number 6. Crab means kekda. 7 spines means kanta. Approach means pahunchna ya pahunch. Poison means zeher. Defend themselves apna bachao karna. Substance padarth. Centipede means kankhazura ya gojer. Come to next. Wasps means tataya. Scorpion, bichu. Appear, roop lena. Self defense, apna bachao. Squats, a smelly spray. Ek badbudar spray. Attackers, hamlavaron ya akraman karne wala. Vacations means chuttiyan ya chuttiyon. Now next is hibernation. Sleeping for up to a few months at a time means कुछ महीनों के लिए सो जाना. Migration, movement of animal in a group from areas of unfavorable climate conditions to favorable climate conditions. Migration means animals जो हैं वो group में move कर जाते हैं जहाँ पर उन्हें climate सही नहीं लगता उस जगह से जहाँ पर क्लाइमेट अच्छा होता है उस जगह पर मूव कर जाते हैं तो उसे हम बोलते हैं माइग्रेशन. ओके, डिड यू नो, क्या आपको पता है, प्रेडेक्टर्स आर एनिमल्स डेट फीड ऑन स्मॉलर एंड वीकर एनिमल्स. प्रेडेक्टर मीन्स क्या होता है, शिकारी. वो एनिमल्स है जो किसको फीड करते हैं, किसको खाते हैं, जो एनिमल स्मॉल और कम होते हैं और कमज़ोर होते हैं उन एनिमल्स को क्या करते, खा लेते हैं. एंड प्रेस आर द एनिमल्स डेट आर फेड बाई द बाई दीज प्रेडक्टर्स. प्रेस मीन्स क्या होता है, शिकार. प्रेडक्टर का शिकार प्रेस होते हैं शिकार. वो एनिमल्स जो किसके द्वारा खाए जाते हैं, प्रेडक्टर्स द्वारा खाए, मतलब शिकारी अपने शिकार को खा लेता है. शिकारी क्या हुआ, प्रेडक्टर्स, और शिकार उसका क्या हुआ, प्रेस. फॉर एग्जाम्पल, जैसे एक एग्जाम्पल के थ्रू आप समझ सकते हैं, टाइगर इज ए प्रेडक्टर. टाइगर क्या है, शिकारी है. एंड डियर इज ए प्रे, तो डियर क्या है, शिकार है. तो टाइगर किसको खा रहा है, किसका शिकार कर रहा है, डियर का. नाउ कम टू नेक्स्ट. इन अ शेल, शेल मीन्स क्या होता है, खोल. द बॉडीज ऑफ सम एनिमल्स आर कवर्ड बाय अ हार्ड शेल. कुछ एनिमल्स की जो बॉडी होती है वो किससे कवर्ड होती है, एक हार्ड शेल से कवर्ड होती है. लाइक वी कवर अवर हेड विथ हेलमेट्स वाइल राइडिंग अ स्कूटर और अ मोटर बाइक. जिस तरीके से जब हम स्कूटर या मोटर बाइक चलाते हैं तब हम क्या करते हैं, अपने हेड को कवर करते हैं. किस चीज़ से कवर करते हैं, हेलमेट के से, ताकि हमारा हेड जो है वो सेफ रहे, प्रोटेक्ट रहे, इसलिए हम उसको कवर करते हैं. दीज एनिमल्स हैव शेल्स ऑन देयर बॉडीज टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम एनिमी. इसी तरीके से इन एनिमल्स के जो शेल होता है वो क्या करता है, इनकी बॉडी को प्रोटेक्ट करता है. किससे प्रोटेक्ट करता है, जो भी उनके दुश्मन होते हैं, जो उन पर अटैक करते हैं, उनसे वो अपने आप को क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं. गार्डन स्नेल्स एंड टोटोटाइज कैन ऑल्सो पुल देयर हेड्स, लेग्स, देयर होल बॉडीज इनसाइड देयर शेल. जैसे ये टोटोटाइज है, ये क्या करता है, जो इसके जितने भी बॉडी के पार्ट्स होते हैं वो इस शेल के अंदर डाल लेता है, पूरा उसको कवर कर लेते हैं, अपने पूरे बॉडी पार्ट्स को. ओके, एग्जांपल्स जिनके पास शेल होते हैं, जिन एनिमल्स के पास, गार्डन शेल, टॉर्टोइस, क्लैम एंड क्रैब. पाइंस, रिमेंबर कैक्टस हैज थॉर्न्स टू प्रिवेंट एनिमल्स फ्रॉम ईटिंग द प्लांट. आपको याद होगा कि कैक्टस के क्या निकले होते हैं, थॉर्न्स, कांटे होते हैं. वो कांटे क्यों, क्योंकि कोई भी एनिमल उस प्लांट को नहीं खा सके. ओके, सिमिलरली
प्रोकोपाइंस हैव स्पाइंस ऑन देयर सरफेस ऑफ देयर बॉडी. ऐसे ही जो प्रोकोपाइन एनिमल है ये, इसके बॉडी के सरफेस के ऊपर क्या होते हैं, स्पाइंस होते हैं, यानी कांटे होते हैं. दीज स्पाइंस कैन इंजर्ड एनिमीज दैट गो नियर और अटैक देम. ये स्पाइंस क्या करते हैं, कोई भी एनिमी यानी कोई भी दुश्मन इस पर अटैक करते हैं आके, तो ये उसको चुभ जाते हैं. ओके, और वो क्या होता है, इंजर्ड हो जाता है, घायल हो जाता है. प्रोकोपाइंस रेज देयर लॉन्ग स्टिफ स्पाइंस एज अ वार्निंग व्हेन देयर एनिमीज ट्राई टू अप्रोच देम. प्रोकोपाइन क्या करता है, जैसे उसे लगता है कि मुझे कोई अटैक करने वाला है, मैं मुझे कोई खाने वाला है, हमला करने वाला है, तो वो क्या करता है, एनिमीज ये अपने कांटे उसको रेज कर देता है, मतलब ऐसे उठा देते हैं. ओके, ऐसे उठा देते हैं तो. और एक बार तो वो जैसे उसके पास आते हैं तो उनको थोड़ा सा चुबाता है कि वार्निंग दे देता है कि मेरे पास मत आना, मेरे पास पहुंचने की कोशिश मत करना, तो शायद वो पहले ही भाग जाए. ओके, तो इस तरीके से वो क्या करते हैं, अपने आप को प्रोटेक्ट करते हैं. एग्जाम्पल्स, प्रोकोपाइन, हेजहॉग. हेजहॉग मीन्स कांटेदार जंगली चूहा. एंडिका, ये भी एक जंगली चूहे टाइप का होता है. थ्रोनी ड्रैगन मीन्स कांटेदार अजगर. ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक पॉइजन. पॉइजन मीन्स क्या होता है, जहर. सम एनिमल्स लाइक स्नेक कैन डिफेंड देमसेल्फ फ्रॉम देयर एनिमीज बाय यूजिंग देयर पॉइजन. कुछ एनिमल्स जैसे कि स्नेक, वो अपने आप को कैसे बचाते हैं, अपने आप की रक्षा कैसे करते हैं अपने एनिमी से, बाय यूजिंग देयर पॉइजन. उनके पास जहर होता है, उसका यूज़ करके वो अपनी अपने आप को प्रोटेक्ट रखते हैं. देयर बॉडी प्रोड्यूस अ पॉइजन्स सैप लाइक सब्सटेंस. उनकी बॉडी क्या प्रोड्यूस करती है, क्या बनाती है उनकी बॉडी, पॉइजन, जहर बनाती है. जैसे सैप लाइक सब्सटेंस यानी गीला ऐसे पदार्थ टाइप होता है. दे बाइट देयर एनिमी एंड इंजेक्ट द पॉइजन विच किल्स द एनिमी. वो क्या करते हैं, स्नेक अपने एनिमी को जो भी उनको लगता है कि हमें नुकसान पहुंच रहा है, उनको बाइट कर देते हैं और वो पॉइजन उनकी बॉडी में फैल जाता है, जिससे कि वो एनिमी जो है वो मर जाता है. ओके, स्नेक, सेंटीपेड, ये देखो बिच्छू, इसके पास भी क्या होता है, जहर होता है. खन खजूरा. नाउ एग्जाम्पल, स्नेक, सेंटीपेड, वॉर्म्स एंड स्कॉर्पियन. इनके पास क्या होता है, ऐसे डंक मारने वाले ये एनिमल्स होते हैं, इनके पॉइजन होता है इनमें. नेक्स्ट इज पफ अप. अ नंबर ऑफ एनिमल्स ट्राई टू अपीयर लार्जर देन देयर साइज इन ऑर्डर टू वार्ड ऑफ प्रेडेक्टर्स. अ नंबर ऑफ एनिमल्स, कुछ मतलब ऐसे एनिमल्स हैं जो क्या करते हैं, अपीयर लार्जर, मतलब वो बड़े दिखते हैं उनके साइज से, तो वार्ड ऑफ प्रेडेक्टर्स यानी शिकारियों को भगाने के लिए कई जानवर अपने आकार, अपने साइज से भी क्या करते हैं, बड़ा दिखने की कोशिश करते हैं. ओके, द बो फिश और पफर फिश हैज़ द एबिलिटी टू पफ अप अबाउट ट्वाइस इट्स नॉर्मल साइज एट द टाइम ऑफ अटैक. जैसे कि बो फिश या पफर फिश, ये क्या करते हैं, हमले के समय अपने जो उनका ओरिजिनल साइज होता है उससे लगभग ट्वाइस तक फूलने की, मतलब अपने बॉडी को क्या कर लेते हैं, बड़ा कर लेते हैं, फुला लेते हैं उसको. इतने फुलाने की उनमें क्या होती है, एवेलेबिलिटी होती है, क्षमता होती है. ओके स्टूडेंट्स, सो एग्जांपल्स ऑफ पफ ऑफ एनिमल्स के क्या हैं, बो फिश, पफर फिश एंड प्रोकोपाइन फिश. ओके, ये ऐसे इस तरीके से होते हैं, आप डायग्राम में देख सकते हैं ऐसे राउंड शेप में, और ये क्या करते हैं, फुला लेते हैं अपने बॉडी को. टू द प्लेइंग डेड, जो क्या करते हैं, मरने का गेम खेलते हैं, जैसे शो करते हैं कि ये मरे हुए हैं. मैनी
flesh eating animals do not eat an animal if they find it dead. कुछ बहुत सारे flesh eating animals होते हैं जो कि देखते हैं कि ये मरा हुआ animal पड़ा हुआ है तो उसको क्या करते हैं, नहीं खाते हैं. The opossum saves its life by applying this method. जो opossum animal है वो क्या करता है, इस method को apply करता है अपने आप को बचाने के लिए. When threatened, the opossum falls over and curls up. Its tongue hangs out and its eyes look lifeless. The hunting animals amuse it dead and loses its interest in this prey. जब ऑपसम को क्या किया जाता है, धमकाया जाता है, उसे डराया जाता है, तो वो क्या करता है, अपनी जीभ को घुमाता है और उसकी आंखें ऐसे मतलब एक्टिंग करता है कि वो बेजान हो रही है और वो इस तरीके से मतलब शो करता है कि वो मर गया है. ओके. द हंटिंग एनिमल, जो हंटिंग एनिमल होता है उस है मतलब यानी कि जो उसका शिकार करने आता है, तो वो उससे क्या लगता है कि जैसे कि ये एनिमल मरा हुआ है, तो वो उसको खाने का जो उसका इंटरेस्ट होता है उसको क्या कर देता है, छोड़ देता है अपनी रुचि. एज्यूम्स मीन्स रुचि. उसे लगता है कि ये एनिमल तो मरा हुआ है, तो उसे वो उसे क्या करता है, नहीं खाता है. तो इस तरीके से जो ऑपोसम्स होते हैं वो अपने आप को क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं. एग्जाम्पल, ऑपोसम स्टर्स, लीव फ्रॉग एंड हॉन्ग नोज स्नेक, ये एग्जाम्पल्स हैं जो कि किसकी तरह एक्टिंग करते हैं, जैसे जब उन पर कोई अटैक करता है तो वो मरने की एक्टिंग करते हैं, ऐसे शो करते हैं कि वो मर गए हैं और वो इस तरीके से वो अपने आप को क्या रखते हैं, सेफ रखते हैं. नेक्स्ट इज स्मेली अटैक. स्मेली अटैक मतलब क्या होता है, बदबूदार हमला. सम एनिमल्स लाइक शंक डिफेंड themselves बाय स्प्रेइंग अ स्मेली मिस्ट एट देयर अटैकर्स. द स्प्रे शूट्स आउट फ्रॉम अंडर द शंक्स टेल. शंक जैसे कुछ जानवर क्या करते हैं, अपने हमलावर यानी कि जो उन पर अटैक करता है उन पर क्या करते हैं, वो एक बदबूदार धुआं छिड़क कर अपना बचाव करते हैं, यानी अपने आप को बचाते हैं. जो ये बदबूदार स्प्रे जो करते हैं वो कहाँ से निकलता है, उनकी जो टेल होती है, शंक की जो टेल होती है उसके नीचे से बदबूदार धुआं निकलता है. हैज़ अ सेल्फ डिफेंस, द बॉम्बे डेयर पेटल स्क्वेयर्स अ स्मेली स्प्रे दैट इज बॉइलिंग हॉट टू. जो बॉम्बे डियर होते हैं वो अपने क्या करते हैं, आत्मरक्षा यानी अपने सेल्फ डिफेंस करते हैं. एक बीटल एक बदबूदार स्प्रे, बीटल जो है वो क्या करता है, एक बदबूदार स्प्रे छिड़कता है जो कि क्या होता है, गर्म भी होती है और वो उबलती हुई भी होती बहुत है. क्या हुआ, एग्जाम्पल संक बॉम्बे डियर बैटल मिलीपेड एंड सी हेयर, जो कि ये स्मेल से गंदी सी स्मेल स्प्रे करते हैं अपने आप को बचाने के लिए, अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए. नेक्स्ट इज लेट्स फाइंड आउट अडेप्टेशन इन बिहेवियर. व्हेन देयर इज अ शॉर्टेज ऑफ फूड और चेंज इन द एनवायरनमेंट, सम एनिमल्स चेंज देयर मोड ऑफ लिविंग. दे इधर स्लो डाउन देयर एक्टिविटीज और मूव अवे टू मोर सुटेबल हैबिटेट्स. जब भोजन की कमी यानी कि फूड की कमी कम होने लगता है, या फिर एनवायरनमेंट में जो जिस एनवायरनमेंट में पर्यावरण में वो रहते हैं उसमें कुछ परिवर्तन हो जाते हैं, तो कुछ जानवर अपने रहने के तरीके को बदल लेते हैं, चेंज देयर मोड ऑफ लिविंग यानी कि रहने का जो उनका तरीका होता है उसमें चेंजेस कर लेते हैं, या फिर वो क्या करते हैं, वे अपनी
उनके जो एक्टिविटीज़ होती हैं यानी कि गतिविधियाँ, उनको धीमा कर लेते हैं, स्लो कर लेते हैं, है, या फिर उनके पास दूसरा ऑप्शन होता है कि मूव अवे, वो मूव कर जाते हैं उस जगह से दूसरे हैबिटेट में, यानी कि दूसरे जगह पर रहने के लिए चले जाते हैं जो उनको क्या होता है सूट होता है, सूटेबल होता है उनके लिए। इन विंटर सम एनिमल्स गो टू स्लीप फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम इन अंडरग्राउंड केव्स और बोरोस। जैसे सर्दियों में क्या होता है, कुछ एनिमल्स सोने के लिए, मतलब लंबे समय के सोने के लिए कहाँ चले जाते हैं, अंडरग्राउंड केव्स जो होती हैं उनमें चले जाते हैं, या बोरोस यानी जो मिट्टी के अंदर बोरोस होल बने हुए होते हैं उसमें चले जाते हैं। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड हाइबरनेशन। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, हाइबरनेशन। दे डू नॉट ईट फूड एट दैट टाइम, वो उस टाइम पर क्या करते, खाना नहीं खाते हैं। दे यूज़ द फैट दैट हैज़ बीन स्टोर्ड इन देयर बॉडी, उनकी बॉडी में जो फैट स्टोर किया हुआ था उसी फैट का वो यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल फ्रॉग, टोड, स्नेल, हेजहॉग एंड माइस, ये क्या करते हैं विंटर में एक लंबे समय के लिए अंडरग्राउंड या मतलब जो भी उनकी सेफ जगह है, अंडरग्राउंड केव्स, बोरोस, सोने के लिए अंदर चले जाते हैं। नाउ कम टू नेक्स्ट पैरा। इन समर व्हेन इट इज वेरी हॉट, जब समर में जब बहुत गर्मी होती है, वी समटाइम्स गो टू अ कोल्डर प्लेस फॉर वेकेशंस, उस टाइम पे हम क्या करते हैं, कहाँ पर चले जाते हैं, ठंडी जगह पर छुट्टियाँ मनाने के लिए चले जाते हैं। सम एनिमल्स ऑल्सो डू डैट, कुछ एनिमल ऐसा भी करते हैं। वेन द क्लाइमेट बिकम्स टू हॉट और टू कोल्ड, जब क्लाइमेट बहुत गर्म या बहुत ठंडा हो जाता है, दे मूव टू अ डिफरेंट प्लेसेस फॉर सम टाइम, तो वो अलग अलग जगह पर कुछ दिनों के लिए चले जाते हैं। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड माइग्रेशन, तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, माइग्रेशन। एग्जाम्पल जैसे कि कौन से एनिमल्स ज़्यादातर ये करते हैं, जैसे आर्टिक टर्न, मोनाच, बटरफ्लाई, साइरेबियन क्रेन, सेलमॉन एंड टर्टल, ये एनिमल्स क्या करते हैं, माइग्रेशन करते हैं। ओके, नाउ यू कैन सी द पिक्चर्स ऑफ आर्टिक टर्न, ये आर्टिक टर्न की पिक्चर, मोनाच, बटरफ्लाई। ओके, द मोनाच बटरफ्लाई माइग्रेट्स फ्रॉम मैक्सिको टू कनाडा, कहाँ जाती है, मैक्सिको से कनाडा, एवरी ईयर बिटवीन द पोल्स, बट ओनली देयर बेबीज आर एबल टू फ्लाई बैक, तो वो वापस आ जाते हैं। Did you know some animals in the desert go to sleep for a long time during summer to save water? Desert में कुछ animals हैं जो क्या करते हैं, summer में एक लंबे समय के लिए सोने के लिए चले जाते हैं, किसके लिए, तो save water, ताकि water जो है वो save हो जाए। This behavior is known as estrivation. ओके, तो इस जो इस तरीके करते हैं, इस बिहेवियर को क्या बोला जाता है, एस्टिवेशन। स्टूडेंट्स, सो वी हैव कंप्लीटेड चैप्टर 4, सो दिस मच फॉर टुडे, हैव अ नाइस डे।